हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस और चैप्टर प्लांट अराउंड अस लेकर आई हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहां पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। यहां पे मैंने एक प्लांट बनाया है और अलग अलग मैंने इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट। ये लीव्स हैं, स्टेम, और ये फ्लावर। उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे क्या है, ये रूट्स। तो बच्चों को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने कुछ इसके पिक्चर्स भी ड्रॉ करी है, जैसे लीव्स। लीव्स का आप एग्जांपल देके बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पीपल लीफ बनाई है, ये लोटस की लीफ होती है और ये रोज वाली लीफ होती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फ्रूट्स बनाए हैं, फ्रूट्स मैंगो, एप्पल, बनाना। उसके बाद फ्लावर्स, जैस्मिन, रोज, सनफ्लावर। उसके अलावा आता है सीड्स। सीड्स क्या होते हैं, जो फ्रूट के अंदर निकलते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो के अंदर एक गुठली निकलती है, तो उसको हम मतलब सिंगल सीड होता है, वन सीड होता है मैंगो के अंदर। और एप्पल में फ्यू सीड्स होते हैं, कुछ ही सीड्स होते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीड होते हैं, जैसे वाटरमेलन। तो बच्चों को आप ये सीड्स का भी एग्जांपल देकर समझा सकते हैं कि कौन से फ्रूट में कितने सीड होते हैं और किस तरीके से वो लगते हैं। प्लांट्स के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लांट्स नीड प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो। प्लांट्स ऑल्सो नीड सॉइल टू ग्रो। उसके अलावा कुछ हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, लीव्स, स्टेम, रूट्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, क्रीपर, क्लाइंबर, फ्रेग्रेंस, सीड, सॉइल, सन, सनलाइट, ग्रास, वाटर, वूडी, गार्डन, फॉरेस्ट, ग्रो, हिल्स, माउंटेन्स और शेप्स। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आपके फोर टाइप्स के होते हैं, एक बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, क्लाइंबर और क्रीपर्स। तो इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है इसमें बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, और उनकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कई सालों तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बैनियन ट्री भी होता है, तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती, ज़्यादा दिन नहीं चलते वो प्लांट्स, और जैसे उनको हम बोलते हैं श्रब्स या हर्ब्स। और श्रब्स अलग होते हैं और हर्ब्स अलग होते हैं, पर ये आते स्मॉल प्लांट्स की कैटेगरी में ही हैं। इसके एग्जांपल है तुलसी, कोरिएंडर। जैसे तुलसी का प्लांट होता है आपके सभी के घरों में लगा रहता है, छोटा प्लांट होता है वो। धनिए का पौधा भी बहुत छोटा होता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। नेक्स्ट आता है क्रीपर। क्रीपर का एग्जाम्पल है मस्कमेलन और वाटरमेलन। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, जो ग्राउंड पर ही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वाटरमेलन है वो बहुत हैवी होता है, तो वो ऐसे जो फ्रूट होते हैं जो मतलब प्लांट पे नहीं लग सकते, तो उस तरह के जो होते हैं प्लांट, उनको हम क्रीपर बोलते हैं। ग्राउंड पर ही उनके फल जो है वो लगते हैं। एक होता है क्लाइंबर, जिसको हम बेल भी बोलते हैं। जैसे अंगूर की बेल होती है, तो उसमें क्या है, प्लांट जो होता है, जैसे हम उसमें कुछ रस्सी वगैरह बांध कर या कुछ खड़ा करके तब उस प्लांट को उसमें सपोर्ट देते हैं। उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही वो बड़ा होता है। यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ट्रीज, ट्रीज के बारे में मैंने अभी बताया था, क्या मैचिंग होगी इसमें, मैनी ईयर्स। श्रब्स, फ्यू ईयर्स। क्लाइंबर, क्लाइंबर जो मैंने बताया था ऊपर की तरफ बेल चढ़ती है, तो अपवर्ड्स। और क्रीपर, ग्राउंड। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बिग प्लांट, सॉरी बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो बड़े प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ श्रब। Rose, muskmelon is a, muskmelon अभी example बताया था मैंने, creeper है। Plants also need good dash to grow.
क्या आना चाहिए? गुड सॉइल. डैश ग्रो अंडर द सॉइल. इसमें क्या आएगा? रूट्स. उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. बिग प्लांट्स को हर्ब्स बोलते हैं. फॉल्स. रोज प्लांट इज अ हर्ब. फॉल्स. तुलसी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्टेम. नहीं, स्टेम बहुत नाजुक होती है उसकी, बहुत पतली होती है, तो इसलिए फॉल्स. पंपकिन इज अ क्लाइंबर. क्लाइंबर होता है या क्रीपर होता है वो, तो ये भी फॉल्स. फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स. ट्रू. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. ट्रू. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर. विच प्लांट्स हैव थिन एंड वुडी स्टेम. क्या आएगा इसमें? शब्स. व्हाट सपोर्ट द प्लांट बॉडी. स्टेम. विच पार्ट मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स. Which is the most beautiful part of the plant? Flower. Where does plant grow? Plants can grow both land. Both land and in, both on land in water. तो ये थी मेरी वर्कशीट. इस तरीके से अगर आप बच्चों को घर में पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.